बेटा क्या कर रही है? निशानी जी मेरी नहा कर रेडी हो गई है। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्यूटीफुल लाइफ इज निशानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी पूरा 9 बज रहा है और मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है। और मॉर्निंग में मैं उठी थी तो बनाना खा ली थी, तो अभी मैं फिट हूँ क्योंकि बनाना खा ली हूँ तो थोड़ा सा भूख नहीं लगा है। तो अभी मैं यहाँ पे दाल रख दी हूँ क्योंकि लंच के लिए मुझे दाल बनाना है। आज भी बहुत सिंपल सा लंच होने वाला है, दाल और चावल, रोटी और आलू और परवल का मैं भुजिया बनाऊंगी और आलू का चोखा बनाऊंगी। तो दाल में मैं आलू भी रख दी हूँ और यहाँ पे मैं अंडा बॉईल कर रही हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग अंडा खाने वाले हैं और आप लोग को दिखाते हैं अभी स्नैक ट्री। कल तो आप लोगों ने कल कमेंट किया था ना कि कौन सा ट्री है, तो उसे स्नैक ट्री ही बोलते हैं, तभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और कल ना मैं बात करते करते में ना मुझे पता ही नहीं चला, मैं आप लोग को दिखा ही रही थी, देखो कितना अच्छा फूल आ गया और पूरा स्नैक के जैसा दिख रहा है और आप लोगों ने कॉमेंट भी कर दिया। तो मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग से बातें करती हूँ। और अभी आप यहाँ देख सकते हो कितना मिट्टी मिट्टी हुआ है, तो मेरे हस्बैंड का काम है। मैं पोछा लगा के जाती हूँ, अच्छे से साफ़ करके जाती हूँ और वो क्या करते हैं पूरा छिट्टा उड़ा देते हैं। तो पानी जब भी फूल में डालते हैं ना तो वैसे ही छीट छीट के डालते हैं, मतलब हाथ में पानी ले लेके और पूरे चारों तरफ छीटते हैं, जिसकी वजह से छिट्टा उड़ता है मिट्टी का, फिर से गंदा हो जाता है। और देखिए ये स्नैक ट्री, तो पूरे स्नैक के जैसा ही ये फूल आया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में जैसे सांप के कैसे सर होता है, सेम वैसा ही है। और इसे स्नैक ट्री ही बोलते हैं। और ये इंडोर प्लांट है, मैं घर में रखी थी लेकिन ये थोड़ा ख़राब हो रहा था घर में फ़ैन के हवा से, तो इसलिए मैं बाहर निकाल के रख दी। और देखिए मेरे मनी प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये बड़ा हो रहा है। बेटा क्या कर रही है? निशानी जी मेरी नहा कर रेडी हो गई है। कितना मारती है? बहुत मार मारेंगे। और आज है ईद, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको हमारी तरफ से। और आज सोमवार है तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं परवल निकाल के रखी हूँ। परवल और आलू की मैं भुजिया बनाऊँगी, तो सबसे पहले मैं परवल को छील लेती हूँ। एक तरफ मैं दाल चढ़ा दी हूँ, एक तरफ मेरा अंडा भी बॉईल हो रहा है, तो जब तक वो मतलब अंडा बॉईल होगा और दाल बनेगा तब तक मैं इधर सब्जी काट के रख लूँगी। और आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो अभी तो मैं क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं लंच करने के बाद ही करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही करना था लेकिन मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाई हूँ। और मैं जैसे कि आप लोगों को बोली थी कि डाइट फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरा डाइट थोड़ा अलग टाइप का ही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मुझे डाइट चार्ट बनाना होगा अच्छे से लिख के, फिर मुझे क्या क्या लेना है, कैसे क्या करना है, फिर उसके हिसाब से मैं अपना प्लान करूँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, मैं सोची थी 1 वीक तक करके देखूँगी लेकिन नहीं हो पा रहा है। और अभी देखिए मेरा अंडा बॉयल हो गया है, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में ये अंडा ही लेंगे। तो ये बॉयल अंडा अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए, तो हम लोग सारे लोग खाएंगे अभी, हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी। उसके बाद मैं आ जाऊंगी किचन में फिर से लंच बनाने की तैयारी करने। तो अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, परवल और आलू जो मैं काट के रखी थी, तो ये सिंपल सा भुजिया मैं बना रही हूँ। तो ऑयल डाली हूँ, हरी मिर्च काट के डाल दी हूँ और प्याज को डाल दी हूँ, दोनों साथ में डाल दी हूँ, नहीं तो हरे मिर्च धोया रहता है ना तो छिट्टे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, इसलिए मैं साथ में रख देती हूँ। उसके बाद मैंने प्याज को नहीं भुना है, बस थोड़ा सा मिक्स कर लिया है ऑयल में। और उसके बाद मैं इसमें परवल डाल दी हूँ और परवल को भी थोड़ा चला दी हूँ, और उसके बाद उसके ऊपर से मैं आलू डाल दी हूँ। और अभी मैं ढक्कन लगा के पकने के लिए इसे छोड़ दी हूँ मीडियम फ्लेम पे। और अभी देखिए निशानी मेरी डांस कर रही है, तो थोड़ा उसका डांस भी देख लीजिए। We'll be right back.
और अभी मैं यहाँ चावल धो रही हूँ, तो मेरे दाल बन गए थे तो दाल को मैं निकाल ली हूँ और एक ही कुकर में मैं बनाती हूँ आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सारा दिन बर्तन ही धोते रहते हैं। तो अभी मैं चावल भी चढ़ा दूँगी और दाल एक तरफ मेरे फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ वो सब्ज़ी बन रहा है आलू परवल का। तो आलू परवल की सब्ज़ी ये बहुत सिंपल सा है, मतलब ये पूरे अच्छे से मतलब फ्राई हो जाएंगे, कुरकुरे हो जाएंगे, उसके बाद ये सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएंगे। और देखिए मेरे दाल भी फ्राई हो गए हैं, तो उसे मैं अलग बर्तन में निकाल ली हूँ और मैं कढ़ाई को अलग साइड कर दी हूँ, दूसरे साइड वाले चूल्हे पर रख दी हूँ और इस साइड में मैं चावल बैठा दी हूँ। तो दोनों साइड में मेरे बनते रहेंगे, तब तक मैं इधर आटा भी गूंथ लेती हूँ। तो आटा मैं लगा लेती हूँ और चावल मैं आजकल कम बना रही हूँ और रोटी भी साथ में खा रही हूँ लंच के टाइम में, तो अभी मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और अभी तक मेरी सब्ज़ी बने नहीं है क्योंकि उसे फ्राई होने में और कुरकुरे करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एकदम धीमी आंच पे बना रही हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से कुरकुरे हो जाए, उसके बाद मैं लंच करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 11:30 हो रहे थे, 11:30 तक मेरा लंच बन के रेडी हो गया था, लेकिन मैं 1 घंटा बाद खाई हूँ, 12:30 बजे खाई हूँ। तो अभी मैं खाना निकाल के लाई हूँ। तो देखिए आज का मेरा लंच यही है, दाल है, सब्जी है और मैं चोखा भी बनाई थी आलू का, तो दाल में ही मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दी थी और रोटी है, चावल है। तो लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा आराम की हूँ, उसके बाद कोई कोई इधर उधर का काम की हूँ और एडिटिंग की हूँ, मतलब वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी तो वो मैं की हूँ। और अभी 3 बज रहे हैं और अभी मैं काढ़ा बनाई हूँ और देख रहे हो तो मैं ड्रेस भी चेंज कर ली हूँ, क्योंकि मुझे भी पूरे किचन के डीप क्लीनिंग करनी है। और किचन पे आप देख रहे हो किचन मेरे पूरे खाली खाली लग रहे हैं, तो सारे सामान यहाँ का मैं हटा दी हूँ। तो जब भी डीप क्लीनिंग करना रहता है तो सारे सामान को हटा देती हूँ ताकि मैं डीप क्लीनिंग अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मैं पूरे टाइल्स को अच्छे से माँज के धोती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं बैठ के काढ़ा पी रही हूँ, तो मैं सूट पहनी थी इसलिए मैं चेंज कर ली हूँ, क्योंकि सूट पहनकर मुझसे ये सब काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उलझन लगती है। और अभी आप देख रहे हो ये रैक पे मतलब कुछ सामान रखे हुए हैं, तो बिना यूज वाला सामान है, तो इसे मैं हटा दूँगी। और इस पर बोरा बिछाया हुआ है, उसे भी मैं हटाऊँगी। तो मैं बोरा बिछा के रखती हूँ, प्लास्टिक का बोरा बिछाती हूँ। और अभी आप देख रहे हो मेरे किचन कितने ज़्यादा गंदे हो गए थे, आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं ध्यान से देख रही हूँ एकदम, तो बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे, चिपचिपे हो गए थे। तो अभी देखिए यहाँ का मैं बोरा हटा दे रही हूँ और उसे मैं झाड़ू से साफ कर दूँगी, थोड़े बहुत डस्ट हो गए हैं उसके ऊपर, तो ये छोटा सा झाड़ू है तो इसी से मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि छोटे वाला झाड़ू से ना बनता है अच्छे से साफ़ करने में। तो अभी मैं इसे साफ़ करके जितने भी इस पर कूड़े हैं, गंदगी है, सारे मैं निकाल के हटा देती हूँ। और ये डीप क्लीनिंग मतलब आधा अधूरा डीप क्लीनिंग है, तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो 2 बार मैं करती हूँ, क्योंकि तो मेरे कैबिनेट है, कैबिनेट की क्लीनिंग मैं अलग से करती हूँ और ये क्लीनिंग मैं अलग से करती हूँ, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाता है, एक बार में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप सुबह से करना चाहोगे तो पूरे दिन लग जाएंगे, क्योंकि सारे मेरे कैबिनेट के अंदर मतलब बर्तन रखे हुए हैं और जितने भी मेरे डब्बे हैं, मतलब मसाला का डब्बा या फिर कोई और चीज़ का डब्बा, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गए, सारे चीज़ का डब्बा, जो भी ग्रोसरी के डब्बे रहते हैं ना, सारे मेरे मतलब किचन कैबिनेट के अंदर हैं, तो अब साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं दो बार में करती हूँ, 2 बार में डिवाइड कर लेती हूँ। तो वो जब मैं किचन कैबिनेट क्लीन करूँगी तो उसका वीडियो अलग से आएगा। तो अभी आप देख रहे हो तो किस तरह मैं टाइल्स को पूरे अच्छे से माँज रही हूँ बर्तन धोने वाले से, और इसी तरह मैं अच्छे से माँज दूँगी। और आप देख सकते हो गंदगी, कितना ज़्यादा गंदगी निकल रहा है, एकदम काला काला निकल रहा है, क्योंकि ऐसे देखने में पता नहीं चलता, लेकिन जब आप हाथ से छूओगे ना तो पूरा चिपचिप हो गया था, बहुत दिन हो गए थे साफ़ किए हुए। ऐसे तो मैं हर मंथ में साफ़ करती थी, हर मंथ में मैं क्लीन करती थी, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता है जिसके वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। और सबसे पहले तो मतलब आप लोग भी कितने सारे रिक्वेस्ट किए थे, बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आया था किचन डीप क्लीनिंग का, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे जो ट्राइपॉड है आप लोगों को पता है टूट गया है, और उससे ना मतलब अच्छे से दिखता नहीं है। तो अभी तो मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत वही वीडियो बनाया है, नहीं तो आज भी मैं नहीं दिखा पाती। और लेकिन किचन तो क्लीन मैं करती लेकिन साथ में नहीं दिखा पाती। तो इस तरह से मेरा किचन क्लीन होता है, मैं इसी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ, पूरे अच्छे से टाइल्स को पूरे माँज देती हूँ, समझो तो पूरे किचन को मैं धो ही देती हूँ। तो जब नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो पूरा अच्छे से करती हूँ। तो इसी तरह से पानी पटा पटा कर अच्छे से हाथ से मतलब धो धो कर साफ कर करके और पूरे अच्छे से मैं धो दूँगी।
और जहाँ पे भी स्विच बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे मैं इस तरह से नहीं धोती हूँ जैसे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं टाइल्स को पहले अच्छे से मांजती हूँ और उसके बाद मैं कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मतलब इधर पानी अंदर चला जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहाँ पे मतलब स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पे भी ऐसा एरिया है वहाँ पे मैं इसी तरह से कपड़े से पोंछती हूँ और बाकी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ पानी पटा पटा कर। और यहाँ का मैं फ़िल्टर भी हटा दी हूँ और इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से ही मेरा डीप क्लीनिंग होता है। और जब मैं किचन कैबिनेट की क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो मेरा 2 घंटे में हो गया, कंप्लीट हो गया। और 2 घंटे में मैं मतलब नहा वहा के सब रेडी हो चुकी थी, पूरे कंप्लीट हो चुका था। तो भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चमक रहा है, ऐसे पहले नहीं चमकता था। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, सच में बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और अभी जितने भी बर्तन हैं यहाँ पर रखे हुए हैं और ये कुछ कुछ डब्बा आपको दिख रहा है, कोलिन का डब्बा था, तो सबको मैं साफ़ कर दी हूँ। उसे भी साफ़ करने में मुझे आधा घंटा लगा है। देखने में थोड़ा सा दिख रहा था कि थोड़ा सा बर्तन है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और अभी नीचे जितने भी पानी गिरे हुए थे तो उसे मैं वाइपर से काचती हूँ, सारे पानी को निकालती हूँ। और मुझे मन था कि पूरे अच्छे से मैं इसे धो देती हूँ, लेकिन जो फ्रिज रखा हुआ है उसके अगल बगल में बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं, फिर मुझे फ्रिज को मतलब हटाना पड़ता। तो मैं सोची कि अभी फ्रिज की क्लीनिंग बाकी है, फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, तो मैं बाद में कर लूँगी। जिस दिन सारे क्लीनिंग मेरे किचन के कम्प्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं अच्छे से किचन को धो दूँगी। तो अभी मैं पोछा लगा दे रही हूँ। तो ऐसे भी किचन में ज़्यादा गंदगी नहीं गिरा हुआ था, मतलब जैसे कि नीचे ज़्यादा पानी नहीं गिरा हुआ था तो ज़्यादा गंदे नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं पोछ दी हूँ, पोछा लगा दी हूँ। और अभी जो ये बोरा मैं निकाल के रखी थी प्लास्टिक का, जो ऊपर में बिछाई थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे, ऑयली ऑयली हो गए थे, तो इसे मैं सरफ में अभी डुबा रही हूँ और भीगने के लिए मैं छोड़ दूँगी कुछ टाइम तक। तब तक मैं कोई और काम कर लूँगी, उसके बाद मैं इसे धोकर फिर नहा लूँगी। तो ये भी एक काम ही रहता है। और जो भी ऊपर मतलब रैक के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ था उसे अभी भी साफ़ करना है, लेकिन उसे मैं अभी किचन के बालकनी में रख दी हूँ, उसे आज मैं नहीं साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी। और अभी देखिए मेरे सारे कपड़े धुला गए हैं, मैं बोरा भी धो ली हूँ और अभी मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो थोड़े बहुत कपड़े सुबह का थे तो उसे भी मैं धो ली हूँ साथ में। तो देखिए जो कपड़े थे उसे मैं सूखने के लिए डाल दी हूँ और ये बोरा भी साफ़ करके और इसे सूखने के लिए डाल दी हूँ। और यहाँ का जो मेरा रस्सी है ना, टूट गया है, 2 रस्सी टूट गया है, बहुत दिन हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए रस्सी को लगाए हुए, तो टूटेगा ही। और अभी मैं पूरे किचन का व्यू दिखा रही हूँ कि देखो साफ़ होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी देखिए टाइल्स कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, पूरे अच्छे से साफ़ हो गए। और मैं जो स्विच बोर्ड था उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और अभी आप देख रहे हो तो ये सारे बर्तन मैं धो के और यहाँ पे मैं खड़े करके रखी हूँ। बहुत सारे बर्तन ऐसे देखने में लग रहे थोड़ा सा बर्तन है, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब करछी है, चम्मच है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा था, चाकू है, ये सब मुझे धोने में साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और अभी ये देख रहे हो छोटा सा मतलब प्लास्टिक का डब्बा है, बोतल है, तो उसे मैं काट के रखी हूँ। गीला कचरा जो भी निकलता है ना उसमें मैं डालती हूँ, उसके बाद जब वो भर जाता है फिर उसके बाद मैं डस्टबिन में डालती हूँ। बार बार मुझे ना बालकनी में जाना पड़ता है इसलिए मैं उसे काट के वहाँ रखी हूँ। तो उसे भी मैं धो दी हूँ। और अभी देखिए पूरे फिल्टर उल्टर जो भी निकाल के मैं रखी थी उसे मैं रख दी हूँ जहाँ जहाँ था जो सामान। तो किचन जब क्लीन कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, टाइम तो लगता है लेकिन सच में घर बहुत अच्छा लगता है। घर जब नीट एंड क्लीन रहता है तब भी अच्छा लगता है और मन भी लगता है। तो अभी जो मैं कपड़े मतलब खोली थी उसे भी मैं धो देती हूँ और ये मॉप बच गया है धोने का, तो मॉप को भी मैं धो लूँगी। और बाकी अभी मुझे नहाना है तो मैं फटाफट नहा लेती हूँ, क्योंकि बिना नहाए तो रहा भी नहीं जाएगा, पूरा नीचे का जो मेरा लोअर है पूरे गीले हो गए हैं। सो गाइस
गाइज अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और मेरे सारे काम खत्म हो चुके हैं। बाकी मुझे अभी डिनर की तैयारी करनी है। तो वैसे अभी 6 बज रहा है, मैं आधा घंटा बाद करूँगी। और 4 बजे मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने गई थी, पूरा 2 घंटा लगा है और सारे काम खत्म हो गए। लेकिन तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने वाले हैं तो गुड नाइट बोलना तो पड़ता ही है।